हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप सब बच्चों के अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर फ्रेंड, आप सभी को पता है कि आप सभी NIS वाले स्टूडेंट के लिए, क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए डिस्टेंस स्कॉलर लेकर आ रहा है अपने चैनल पर उनके सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन। जी हाँ डियर फ्रेंड, क्योंकि लगातार हमें मैसेज आ रहे थे कि मैम हमें प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रैक्टिकल में क्या बना के जाते हैं, कैसे बना के जाते हैं, हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर के डिस्टेंस स्कॉलर ने सभी सब्जेक्ट के, चाहे इंग्लिश मीडियम के आप हो चाहे हिंदी मीडियम के लिए हो, हम लेकर आ रहे हैं क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, आपको ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल का लैब मैनुअल है वो तो आपको कई जगह मिल जाता होगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता होगा इसमें लिखना क्या है, क्योंकि लैब मैनुअल में तो काफ़ी कुछ होता है, कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कई सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, बट उतना दिमाग हमारा लग नहीं पाता कि क्या कैसे करना है। तो इसी सब को रिजॉल्व कर करके कॉलम आप सभी के लिए लाया है 10th प्रैक्टिकल चार्ट करके। तो बस आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है बस आपको छाप देना है। और कसम से बता रही हूँ कि एकदम अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और अगर आप में से कोई रिएक्शन ऐसा है कि वो चाहता है कि इस पूरे प्रैक्टिकल का उसको PDF मिल जाए, ताकि वो घर बैठ के आराम से जब का एग्जाम अच्छे से राइटिंग में अपना ये प्रैक्टिकल बना सके, तो इसके लिए भी डिस्टेंस स्कॉलर को आप दिए गए नीचे नंबर पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और आपको परचेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा बेहद ही कम दाम पर। और डियर स्टूडेंट, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि अगर आपने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में एडमिशन लिया है तो आपको प्रैक्टिकल बनाने का टाइम काफ़ी कम मिल पाता है, और बच्चे चाहते हैं कि कोई उनका प्रैक्टिकल उनको बना कर दे दे, या फिर अगर आप अक्टूबर या फिर अप्रैल कभी भी किसी भी सीजन में एडमिशन ले रहे हो और आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि उनका प्रैक्टिकल उनको बना करके उनके डोर स्टेप पे यानी कि होम डिलीवरी करवाई जाए इस प्रैक्टिकल के लैब मैनुअल की पूरी, तो इसका जुगाड़ भी डिस्टेंस स्कॉलर ने दिया है अपने चैनल पर। तो इसमें अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है कि उनका लैब मैनुअल उनको मिले उनके डोर स्टेप पर घर पर बना बनाया, तो आप इसके लिए भी हमें मैसेज कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और मिलेगा कि आपको इसका ऑप्शन। बस आपको इसके लिए एटलीस्ट 20 से 25 दिन या फिर 1 महीने का टाइम देना होगा हमें, और हम इस 1 मंथ में आपके घर पर इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की होम डिलीवरी करवाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में कि हमने क्या क्या लेकर आया है, कौन कौन से प्रैक्टिकल लेकर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर कोई प्रैक्टिकल होता है तो इंडेक्स को लेकर बच्चे परेशान होते, क्योंकि इंडेक्स में आपकी पूरी मार्किंग वगैरह होती है, पेज नंबर वगैरह, और क्या क्या आप अंदर एक्सपेरिमेंट करने वाले हो लिखना होता है। तो देखो मैंने इंडेक्स का फिलअप किया है, तो ये देख कर आप कर सकते हो। हमने यहाँ पर 10 एक्सपेरिमेंट किए हैं। बच्चे कई बार होता है कि कॉपी तो बना लेते हैं लेकिन 2-4 एक्सपेरिमेंट करके ही निकल जाते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट कोशिश करना, जब आप इतना मेहनत कर ही रहे हो तो कम से कम 10 प्रैक्टिकल लिख के जाओ। अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एटलीस्ट 30-40 पेजेस में भरे होते हैं, तो आप में खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ हमें तो अब अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही। तो बस यही है कि कम से कम 10 प्रैक्टिकल लिख के जाना। मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप चाहे तो मेरे साथ यहाँ पर नोट डाउन करते जाना, अदरवाइज़ है कि आप घर पे इसको आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज कर करके वीडियो देखते रहना, अदरवाइज़ बाकी तो ऑप्शन है ही, आप समझदार हो कि अगर PDF वगैरह चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हो। तो देखो ये शुरू हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, बगल में आपको पेज नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा, पेज नंबर लिखना है वहाँ पर, और एक्सपेरिमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा कौन सा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, साथ ही साथ पूरे पेज नंबर और सब कुछ लिखते चलना है, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो एम रिक्वायर्ड मटेरियल वगैरह वगैरह सारा कुछ आपको भरना होता है। तो मैंने भी इसमें 10 प्रैक्टिकल्स बना रखे हैं, आपको पूरे दसों के दसों करने हैं। उसके बाद प्रोसीजर, ये देखो थोड़ी सी राइटिंग, बहुत ध्यान रखना राइटिंग का, क्योंकि खास क्या होता है बच्चे अपना खिचर पिचर करके चले जाते हैं, मतलब कट पिक करके चले जाते हैं, और फिर वही होता है कि नंबर नहीं मिलता, और वो कहते हैं कि मैम हमने सब लिखा था नंबर नहीं मिला। तो भाई राइटिंग का तो ध्यान रखो, आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, क्योंकि पूरी मार्किंग तो उसी पर होती है। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रखना, ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज़ करना, ये नहीं कि आपने ग्रीन पेन यूज़ कर दिया, रेड पेन यूज़ कर दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना, गलती से भी मत करना, वरना वहीं पर आपके नंबर 0 हो जाएंगे। तो बस ब्लैक और ब्लू ये दोनों पेन का ही इस्तेमाल करना है आपको, ये बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। हाँ आप मार्कर वगैरह कलर वगैरह ऐसा कुछ आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगता है, बट पेन तो आप सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू ही यूज़ करना। ऑब्जर्वेशन टेबल इसमें कई सारे बनाने होंगे, तो आप इसको चाहे तो इस ब्लैंक वाले पेज पर भी बना सकते हो, या फिर आप जिधर भी चाहो इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ,
बिल्कुल साफ सुथरे राइटिंग में लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर बच्चे कहते हैं मैम ये समझ में आ रहा, तो वो हम उनको बता देते हैं, आपको जस्ट नीचे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपकी हेल्प हो जाएगी, निश्चित रहिए। डायग्राम आप कोशिश करना पूरा हैंड रिटन रहे तो ही ज़्यादा बेटर है, हैंड ड्रॉ रहे मतलब हाथों से बनाया हुआ रहे तो ही ज़्यादा बेटर है। पेज नंबर वाला लिखते चलना साथ ही, क्योंकि जब आप इंडेक्स फील करोगे तो वो पेज नंबर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मायने रखता है, ठीक है। लेकिन गलती से मेरा पेज नंबर अपने इंडेक्स मत कॉपी करना, क्योंकि मेरा पेज नंबर अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे यही गलती करते हैं कि पेज नंबर के साथ में भर देते हैं, फिर कहते हैं मैं आपको तो बताया नहीं था। तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर एक एक बात आपको कि क्या कैसे करना है, ठीक है। और ये हमारा ख़त्म हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यहाँ पे शुरू होता है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जो कि हमारा पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, जहाँ जहाँ डायग्राम है वहाँ वहाँ डायग्राम लगाते हुए चलना, मतलब बनाते हुए चलना। थोड़ा सा लेंथी होता है पर अगर फोकस करोगे तो, अगर आपने प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स उठा लिए हैं ना, तो फिर TMA का तो ऑप्शन होता ही आपके पास। और अगर आपने केवल ऑन डिमांड भी दे रखा है तो भी अगर प्रैक्टिकल अच्छा चला गया ना, तो पास होने में और परसेंटेज अच्छे बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसको हल्के में मत लेना, ऐ भी मत लेना कि चलो देखा जाएगा, जुगाड़ बन जाएगा, नहीं ऐसी गलती मत करना, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सारा कुछ करना, सारा कुछ बनाना। ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कुछ ऐसा है। तो ये रहा इसका डायग्राम जो कि आपको बनाना है, है इसका ऑब्जर्वेशन टेबल जो कि आपको लिखना है। चाहे तो आप इसको ब्लैंक एरिया पे भी लिख सकते हो, मैंने इधर लिख दिया है, आप उसको चाहे तो उधर पे लिख सकते हो। सारे ऑब्जर्वेशन टेबल को आप ब्लैंक वाले पोर्शन पे लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा। और डायग्राम तो आपको वही बनाना है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि काफ़ी साल से हम प्रैक्टिकल लिखते आ रहे, करते आ रहे, तो इतना आइडिया तो रहता ही है। तो बहुत कुछ नया नहीं, कुछ खास नहीं है, बस ये है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको लिखने हैं, ये हमने यहाँ पे इजी कर दिया आप सभी के लिए। और ये हमारा शुरू होता है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कुछ इस तरीके से है। ये है इसका फिगर या फिर डायग्राम कह लो, बिल्कुल आराम से स्क्रॉल करते हुए चल रही हूँ ताकि आपको साथ ही साथ देखते और लिखने में आसानी हो। ये रहा इसका ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल कुछ इस तरीके से है। ये कैलकुलेशन इसका, इसी रिजल्ट के साथ आपका शुरू होता है एक्सपेरिमेंट नंबर 5। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है इसका, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, थियोरी, प्रोसीजर, फिगर, फिर से आ गया इसका ऑब्जर्वेशन टेबल। फिगर है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, आप देख के डाउन कर सकते हो। एंड आगे का ये सारा आपको लिखना है उसी में, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस, रिजल्ट, सोर्स ऑफ एरर, ओके।
सो जैसा ही बढ़ते हैं आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की ओर। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 कुछ इस तरीके से है। वही एम मेटेरियल रिक्वायरमेंट वगैरह आपको करना होता है, सारा लिखना होता है, और फिर आपको प्रोसीजर बताने हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं हमें। एंड देन ये डायग्राम है आपका। उसके बाद के ये सारे स्टेप्स हैं। एंड देन आपका ये ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल, और उस ऑब्जर्वेशन टेबल से क्या क्या चीज़ें हो रही है आगे लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको। एंड देन फाइनली कैलकुलेशन, रिजल्ट, सोर्सेज ऑफ एरर, और इसी सोर्सेज ऑफ एरर के साथ ही हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पे एक्सपेरिमेंट नंबर 6 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर, जो कि है एक्सपेरिमेंट नंबर 7। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 कुछ इस तरीके से है डियर स्टूडेंट। तो वही सारी चीज़ें हैं आपको स्टार्टिंग के सारे एम, मेटेरियल रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर लिखने होंगे। फिर ये आपका डायग्राम है, इसको बनाना होगा आपको। ऑब्जर्वेशन टेबल रहा ये, इसको बनाना है आपको। एंड आ गया आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट के प्रिकॉशंस, एंड फाइनली ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सपेरिमेंट की ओर, जो कि है एक्सपेरिमेंट नंबर 8। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो मेरे साथ ही साथ। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 8 चल रहा है। ये है इसका डायग्राम फिगर, जो कि आपको बनाना है। फिर ये ऑब्जर्वेशंस, एंड इसका कैलकुलेशन, एंड फाइनली इसके भी प्रिकॉशन आपको लिखने होंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बस आप एडिटिंग कर देना। ये सारे इसके प्रिकॉशंस थे। और इसी के साथ हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। और हम बढ़ते अपने अगले एक्सपेरिमेंट की ओर, जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 9। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट और नोट डाउन कर सकते हो। 10 एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो 10 प्रैक्टिकल लिखना, कंप्लीट करना, राइटिंग बहुत बढ़िया रखना, कि राइटिंग आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप टीएम में दे रहे हो, थियोरी दे रहे हो, प्रैक्टिकल दे रहे हो, सब में राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी, अगर राइटिंग बहुत अच्छी भी नहीं है तो फिर भी कोशिश करना कि बिल्कुल कट ना हो। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसमें ज़्यादा कटिंग ना हो, ठीक है, ये तो बिल्कुल कोशिश करना। एंड इसका भी सोर्सेज ऑफ एरर आ गया, ये सारा लिखना होगा आपको। एंड फाइनली इसी के साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। और आइए हम बढ़ते हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 10 की ओर। ये हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 10, जिसका एम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये यहाँ पर मेंशन है।
थ्योरी क्या है इस एक्सपेरिमेंट की, तो ये रहा इसका थ्योरी। एंड ये डायग्राम आपको ब्लैंक वाले एरिया का बनाते चलना है। प्रोसीजर देख सकते हो यहाँ पर, ये सारा इसका प्रोसीजर है। और इसके बाद ये आता है एक टर्म ऑब्जर्वेशन टेबल, तो ऑब्जर्वेशन टेबल ये बनाना है आपको। एंड कैलकुलेशंस, तो ये है इसका कैलकुलेशन। फाइनली इसका प्रिकॉशन, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें प्रिकॉशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो एक्सपेरिमेंट हम उस प्रिकॉशंस को नहीं रख सकते हैं तो काफ़ी एरर हो सकता है उस हमारे एक्सपेरिमेंट में। तो ये सारे प्रिकॉशन हमें लिखने होते हैं सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर। और बस इसी प्रिकॉशन के साथ हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी यहीं पर कम्प्लीट होता है डियर स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप नीचे मुझे कॉमेंट करके बताइएगा वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। और अगर आपको भी किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारी अगली वीडियो आपके उस टॉपिक पर होगी। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।